हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिसलेक्सिया इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लासेस में। पंजाब में लास्ट वीक वारिस पंजाब डे के लीडर अमृतपाल सिंह ने हजारों लोगों के साथ अजनाला पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पंजाब पुलिस के एसपी हरपाल सिंह रंधावा का कहना है कि लोग अपने साथ तलवार और गन्स लेके आए थे और इसके साथ ही लोग अपने गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ लेकर आए थे। ऐसे में पुलिस कुछ नहीं कर पाई और उसे पीछे हटना पड़ गया। और अगर पुलिस कुछ करती तो ऐसा माना जा सकता था कि पुलिस या सरकार सिख धर्म पर हमला कर रही है। अमृतपाल सिंह संधु अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के जल्लूपुर खेरा गाँव से है, जो कि 2012 में अपने फैमिली ट्रांसपोर्ट बिजनेस को देखने के लिए दुबई चला गया था। लेकिन किसान प्रोटेस्ट और पंजाब पॉलिटिक्स में अमृतपाल सिंह हमेशा से एक्टिव रहा। जब वारिस पंजाब डे के हेड दीप सिद्धू को किसान प्रोटेस्ट में सिख फ्लैग यूज करने के लिए अरेस्ट किया गया था, तब भी अमृतपाल सिंह ने दीप सिद्धू का सपोर्ट किया था। अमृतपाल सिंह ने सिख यूथ को खालसा में आ जाने के लिए कहा, जिसे अमृत लेना भी कहते हैं। ये एक तरह की सेरेमनी होती है जिसमें कोई भी सिख ऑफिशियली खालसा का पार्ट बन जाता है। इस सेरेमनी को खुद अमृतपाल सिंह ने सितंबर 2022 में किया। अमृतपाल सिंह पंजाब के साथ साथ आज पूरे इंडिया में पॉपुलर बन चुका है और साथ ही इंडिया के लिए एक थ्रेड भी बन चुका है, क्योंकि अमृतपाल सिंह बिल्कुल ही भिंडरावाले की तरह बातें करने लग गया है। उसने अपनी सेरेमनी के टाइम पर भी ये बात कही कि वो भिंडरावाले के सिखाए रास्ते पर चलना चाहता है। भिंडरावाले की तरह ही उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर उन्हें टारगेट करते हुए ये कहा कि वो सिख की प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अपनी एक रिलीजियस मार्च में उसने सिख को हथियारों के साथ जुड़ने के लिए कहा। वैसे तो अमृतपाल सिंह एकदम रिलीजियस भेस में घूमता रहता है, लेकिन नवंबर 2022 में उसने अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ दो गुरुद्वारों पर भी अटैक किया था। उसने कई सारी अग्रेसिव स्पीचेस दी और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करके खालिस्तान की डिमांड को वापस रखा है। अब ये सब जो पंजाब में हो रहा है वो कोई पहली बार नहीं है। ऐसी सिमिलर सिचुएशन पंजाब की हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है। एक यंग लीडर अपने सपोर्टर्स के साथ हथियार लेकर लोगों को भड़काना स्टार्ट करता है और अपने इंडिपेंडेंट देश में खालिस्तान की मांग को रखता है। आज की सिचुएशन और पहले की सिचुएशन में फर्क सिर्फ लीडर का है। 1984 में जनरल सिंह भिंडरावाले लीडर था और आज अमृतपाल सिंह संधू। खालिस्तान का मतलब है खालसा की जमीन, यानी प्योर लैंड। पंजाबीज के लिए एक सेपरेट कंट्री जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होने चाहिए। कुछ लोगों की डिमांड तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी खालिस्तान में इंक्लूड होने चाहिए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि खालिस्तान की डिमांड आई कहाँ से। 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन इस मांग को तीन लोगों ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया था। फर्स्ट मोहम्मद अली जिन्ना, सेकेंड बी आर अम्बेडकर एंड थर्ड शिरोमणि अकाली दल से मास्टर तारा सिंह, क्योंकि वो सिख के लिए एक सेपरेट कंट्री चाहते थे। लेकिन तब तक भी खालिस्तान वर्ड यूज नहीं किया गया था। खालिस्तान वर्ड का पहली बार यूज किया गया था 1940 में, जब मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए लाहौर रेजोल्यूशन में एक सेपरेट कंट्री की डिमांड की। तभी सिख लीडर वीर सिंह भट्टी ने एक सिख कंट्री खालिस्तान की डिमांड की थी। लेकिन कांग्रेस ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि सिख की पॉलिटिकल और बाकी सारी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्पीच में ये कहा था कि पंजाब के सिख को भी स्पेशल कंसीडरेशन मिलना चाहिए। बट गुरुदर्शन सिंह ढिल्लों ने अपनी बुक में इस बात को मेंशन किया कि सिख लोगों को लगता था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में उनकी डिमांड्स का ध्यान रखा जाएगा। बट शिरोमणि अकाली दल ने यह कहा कि जितना उन्हें प्रॉमिस किया गया था उतनी ऑटोनॉमी उन्हें नहीं दी गई है। 1966 में जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिख मेजोरिटी स्टेट पंजाब बनाया, हिंदी स्पीकिंग स्टेट हरियाणा और कुछ हिल डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में इंक्लूड किए गए। लेकिन उस टाइम पर भी सिख सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने कैपिटल चंडीगढ़ को हरियाणा के साथ शेयर करना पड़ रहा था और साथ में चंडीगढ़ को यूटी भी बनाया गया था और साथ में कुछ पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हरियाणा में दे दिए गए थे। और इन्हीं डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन वक्त के साथ सभी लोग इसे भूल गए। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को लेकर फिर से जरनैल सिंह भिंडरावाले ने डिमांड्स करना स्टार्ट कर दिया। जरनैल सिंह भिंडरावाले एक ऑर्थोडॉक्स सिख ऑर्गेनाइजेशन डमडमी टकसाल का लीडर था। 70s और 80s में भिंडरावाले ने पूरे पंजाब में अपने ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म को फैलाने के लिए ट्रैवल किया था और बहुत जल्द पूरे पंजाब में पॉपुलर हो गया। उस टाइम पर पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन और सेंट्रल पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से केवल 10% किसानों के पास 75% पैसा था। इसीलिए जो छोटे और गरीब किसान थे, जो प्रॉब्लम्स में थे, वो भिंडरावाले के सपोर्ट में आ गए। भिंडरावाले ने हिंदूज और मॉडर्न सिख को टारगेट किया और लोगों को खालसा में वापस लौटने के लिए कहा। भिंडरावाले खुलेआम वॉयलेंस की बात करता था और एक ऑथर खुशवंत सिंह के अकॉर्डिंग वो हर एक सिख को 32 हिंदुओं को मारने के लिए बोलता था। 1982 में शिरोमणि अकाली दल और भिंडरावाले ने मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा स्टार्ट किया, जिसके जरिए वो 1973 में आए आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को पास कराना चाहते थे। और उस टाइम पर हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस रिजोल्यूशन को इंडिया के अगेंस्ट बोलकर इसे
अलाउ नहीं किया और एग्रेसिवली एक्शन लेकर कई सारे सिख लोगों को अरेस्ट भी किया, क्योंकि भिंडरावाले के सपोर्टर्स पंजाब में वायलेंस और मर्डर्स किए जा रहे थे। तभी भिंडरावाले अपने आप को बचाने के लिए गोल्डन टेंपल के हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स में छिप जाता है और वहीं से वो अपने सपोर्टर्स को इंस्ट्रक्ट करता था। भिंडरावाले को रोकने की काफी कोशिशों में नाकामयाब होने के बाद आखिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने भिंडरावाले को मार डाला। लेकिन इस ऑपरेशन में कई सारे सिविलियंस भी मारे गए और हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स पूरी तरह तहस नहस हो गया और इसी वजह से सिख कम्युनिटी गवर्नमेंट और आर्मी के अगेंस्ट आ गई, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ने उनके धर्म पर अटैक किया है। सिख पॉलिटिशियन ने रिजाइन कर दिया और इसके साथ ही कई सारे सिख ऑफिसर्स ने ये धमकी दी कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। और इस सबके बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनके दो सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा असैसिनेट कर दिया गया और इस असैसिनेशन के बाद एंटी सिख राइट्स स्टार्ट हो गए, जिसमें 8000 से ज्यादा बेगुनाह सिख लोग मारे गए थे। और एलिजिडली कांग्रेस ने इस वायलेंस को रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की। अब एंटी सिख राइट्स और हरमिंदर साहिब पर अटैक की वजह से पंजाब के लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट से भरोसा ही उठ गया और 2023 में अकाल तख्त ने भिंडरावाले को एक शहीद डिक्लेयर कर दिया था। और इस सबके बाद खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ने 1985 में एक एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ा दिया और कई सारे सिख लोगों ने बदला लेने के लिए आर्मी ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस पर कई सारे अटैक्स किए। अब अमृतपाल सिंह संधू भी भिंडरावाले की तरह ही इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पंजाब के लोग सभी पॉलिटिशियंस पार्टी से तंग आ चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स उनकी प्रॉब्लम्स पे बात तो करते हैं और उन्हें अच्छे सपने दिखाकर उन्हें कई सारे प्रॉमिसेस भी, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करता। पिछले 3 सालों में पंजाब में कई सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे फार्म लॉज के अगेंस्ट, मट्टेवाड़ा इंडस्ट्रियल पार्क के अगेंस्ट या फिर जीरा लिकर फैक्ट्री के अगेंस्ट प्रोटेस्ट। और इन प्रोटेस्ट में पंजाब के लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के इन्वॉल्वमेंट को दूर ही रखा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज उनकी रिक्वायरमेंट जैसे जॉब, एजुकेशन को फुलफिल नहीं कर पा रही हैं। और इसी पर अमृतपाल सिंह ने स्टैंड लेकर ये कहा कि पंजाब फॉर पंजाबीज। पंजाब में आज जो भी हो रहा है वो कोई नई सिचुएशन नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। और पंजाब के लोगों को अमृतपाल सिंह भिंडरावाले की तरह ही नई नई आशाएं दिखा रहा है, लेकिन साथ में वायलेंस को भी बढ़ा रहा है। आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिजिलर।